फ्रेंड्स, क्लास 11th हिस्ट्री, लेसन नेम एन एम्पायर अक्रॉस थ्री कॉन्टिनेंट्स, टॉपिक द अर्ली एम्पायर। अर्ली एम्पायर मीन थर्ड सेंचुरी से पहले वाला, स्टार्टिंग से लेकर के थर्ड सेंचुरी तक, और थर्ड सेंचुरी के बाद लेट एम्पायर, किसका? रोमन एम्पायर का। तो दो फेज हैं, थर्ड सेंचुरी से पहले और थर्ड सेंचुरी के बाद का। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेंचुरी में यहाँ पर कुछ चेंज होना शुरू हो गया। यहाँ पर पहले आर्मी के अंदर कमांडर, एडमिनिस्ट्रेटर और गवर्नर पहले इटालियन पीपल ज़्यादा थे। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप की प्रोविंसेस अमर्ज हो गई। अब रोमन एम्पायर यूरोप कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट। रोमन एम्पायर का जो ये पार्ट है, ये बहुत वास्ट हो चुका है। अब यहाँ पर पहले कौन डोमिनेट करते थे सेनेट में? इटालियन। बट अब मेडिटेरियन सी के साउथ में, इसके नॉर्थ में, एशिया के वेस्ट में, ये बहुत सारे स्टेट अमर्ज हो गए थे। अब यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्नर, आर्मी कमांडर सिलेक्ट होने लग गए। तो इस तरह इटालियन जो डोमिनेट करते थे वहाँ, अब उनकी जगह ये प्रोविंसेस ने ले ली, जो रोमन सिटी से बहुत डिस्टेंस पर थे। अब क्योंकि इन लोगों को अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेंचुरी में इन लोगों को यहाँ सिटीजनशिप मिलनी शुरू हो गई थी, तो इसलिए यहाँ एक नई क्लास अमर्ज हुई। कहाँ पर? जो डिफरेंट स्टेट बने वहाँ पर। और यहाँ पर ये जो एलिट पर्सन है, एरिस्टोक्रेट हैं, वो इटली से दूर, रोम से दूर ये स्टेट अमर्ज हो गए, और नई क्लास जो है ना सामने, रोमन एम्पायर के सामने नई क्लास जो है ना वो बन करके आई। कहाँ से? बहुत दूर इटली से, जो अफ्रीका, एशिया और यूरोप के डिफरेंट पार्ट में स्टेट जो है ना अमर्ज हो गई। और ये स्टेट, इन स्टेट की अपनी एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, अपने कमांडर होते थे, अपनी आर्मी होती थी, और इन केंद्र में बहुत सारे विलेज आते थे, और उन विलेज से ये लोग टैक्स लेते थे। तो इस तरह इटली का जो, इटली ये है रोम यूरोप के साउथ पार्ट में। तो अब यहाँ पर एक तरह से रोमन एम्पायर इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली अपना एग्जिस्टेंस थर्ड सेंचुरी के मिडल में जो ना इसका डीके शुरू हो गया था। यहाँ पर इनके अपने मैजिस्ट्रेट, सिटी काउंसिल होते थे। अब इनके अपने ज्यूरिसडिक्शन होते थे। ये स्टेट एक दूसरे के अंडर में नहीं थे। तो इस तरह एक हिस्टोरिकल चेंज जो है रोमन एम्पायर में आना शुरू हो गया था। अब यहाँ जो विलेज हैं और सिटी हैं, उनका डिग्रेड और अपग्रेड होना शुरू हो गया था। जो विलेज जितना नज़दीक गवर्नर के है वो अपग्रेड हो जाता था, और जितना गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर से जो सिटी दूर है, यानी अपनी एलिजेंसी नहीं दिखाते, जो वो सिटी विलेज, और विलेज कभी सिटी का जो है ना स्टेटस ले लेता था। तो इस तरह यहाँ पर ये सब कुछ चलता रहता था। यहाँ पर डॉक्टर गैलेन क्या कहते हैं कि लोगों, जो सिटी वाले लोग हैं और जो विलेज वाले लोग हैं, उनका आपस में ट्रीटमेंट कैसे होता था, कैसे एक दूसरे को ट्रीट करते थे। टोटली अर्बन एरिया विलेज के ऊपर डिपेंड था। ये लोग एजुकेटेड थे, गांव से पूरे ईयर का जो है ना
ग्रेन ग्रेनरी अनाज ले आते थे। गेलेन कहते हैं अपने बुक में, गेलेन की अपनी बुक है ऑन गुड एंड बैड डाइट, इसमें ये लिखते हैं कि विलेजर्स के पास ईयर के लास्ट में खाने के लिए रूट्स फ्रूट्स लीव्स स्ट्राज ये बच जाते थे। तो यहाँ पर ये सब कुछ चेंज होने लग गया। मतलब कहने का क्या है कि थर्ड सेंचुरी के आते आते इटालियन जो डोमिनेट कर रहे थे अब उनका डिक्लाइन हो गया है। जो बहुत डिस्टेंस पर छोटे छोटे स्टेट्स अमर्ज हो गए थे उनकी अपनी आर्मी होती थी, गवर्नर होते थे, कमांडर होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, वो एग्जिस्टेंस में आ गए थे। अब थर्ड सेंचुरी के लेट तक इटालियन जो डोमिनेट कर रहे थे सेनेट में, वो अब उनका डिके होना शुरू हो गया था। यहाँ पर यहाँ रोमन एम्पायर की जो सिटी हैं उनकी करेक्टरिस्टिक एक मैं आपको बता दूँ क्या थी, पब्लिक बात करते थे वो। बट जब ऐसा रोमन एम्पायर के ईस्ट में ईरानीज रूलर ने करना चाहा पब्लिक बात, तो वहाँ पर प्रिस्ट ने कहा कि वाटर जो है ना, ऐसे वाटर को जो है ना अपवित्र नहीं किया जा सकता, तो वहाँ पर उसका विरोध हुआ। रोमन एम्पायर के अंदर जो सिटी में रहने वाले लोग हैं 365 डेज में यानी वन ईयर में वो इन्जॉय करते थे एंटरटेनमेंट करने के, 176 डेज उन्होंने जो ना फिक्स करके थे वहाँ के कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो इस तरह आज अपना रोमन एम्पायर का फर्स्ट फेज अर्ली एम्पायर का एंड होता है। इसमें आपको कोई बात समझ में नहीं लगी हो बेटा, समझ में नहीं आई हो, तो आप व्हाट्सएप से या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। ओके।